Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास फोर बेटा, आज हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 हमारा स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर 11 से डिग्निटी ऑफ लाइफ। आज के चैप्टर 11 में ट्रीटिंग अदर्स विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। तो आज हम इस टॉपिक को जो है पढ़ेंगे। तो ट्रीटिंग अदर्स विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट का है दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना। बिलीव इन सोसाइटी एंड लव एंड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। हम समाज में रहते हैं और अपने माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। इफ यू वॉन्ट अदर्स टू लव एंड रेस्पेक्ट अस, वी आल्सो नीड टू लव एंड रेस्पेक्ट अदर्स। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे प्यार करें, हमें सम्मान दें, तो हमें भी उनको दूसरों के साथ इसी तरह व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वी फील बैड इफ एनी वन पुश और स्पॉइल्स अवर थिंग्स। हमें खराब लगता है अगर कोई हमें धक्का देता है या हमारी चीजों को खराब करता है। हमें तब खराब लगता है जब हमें कोई धक्का दे देता है या हमारी चीजों को तोड़ फोड़ देता है, तो हमें बहुत खराब लगता है। देयरफॉर वी टू शुड रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ईच अदर एंड देयर बिलोंगिंग्स। इसलिए हमें भी एक दूसरे और उनके उनका सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट डू सम थिंग्स रॉन्ग एंड शुड ऑल्सो नॉट लेट अदर्स डू रॉन्ग थिंग्स। हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी गलत काम करने से रोकना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, खुद भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई व्यवहार अच्छा करे, तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम गलत ना करें और दूसरों को गलत करने से भी रोकना चाहिए। इफ एनी वन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, वी शुड आस्क अवर पेरेंट्स, टीचर्स और काउंसलर टू हेल्प। अगर कोई हमारे लिए कोई समस्या पैदा करता है, तो हमें अपने माता पिता, शिक्षक या काउंसलर जो है उनसे मदद मांगनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए, चीजों को छुपानी नहीं चाहिए। वी मस्ट ट्रीट अदर्स विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हमें दूसरों के साथ आदर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिड यू नो टॉपिक हमारा डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग तरह के लोग। देयर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव ऑल देयर सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हमारा डिड यू नो टॉपिक हमारा डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग तरह के लोग। देयर आर सम पीपल हु मे नॉट हैव ऑल देयर सेंस ऑर्गन्स और सम अदर बॉडी पार्ट वर्किंग प्रॉपरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के सभी अंग या कुछ अंग जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। दे मे नॉट बी एबल टू सी, हियर, स्पीक और वॉक। वे देखने, सुनने, बोलने या चलने में भी सक्षम नहीं होते हैं। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एन इलनेस और एक्सीडेंट। यह एक बीमारी है या दुर्घटना के कारण हो सकता है। बीमारी का जैसे पोलियो के कारण पैर वैर खराब हो जाते हैं, नहीं काम करते हैं, ठीक है ना, आँख भी नहीं रहते, कभी कभी कान सुनाई देते हैं, या उनके देखिए कभी कभी ओंठ वगैरह भी कटे होते हैं। तो ये क्या होता है कि जन्म से ऐसा होता है, या फिर दुर्घटना के कारण कभी कभी इंसान अपना एक पैर या हाथ जो भी होता है खो जाता है। तो ये दुर्घटना भी हो सकता है, बीमारी भी है। वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम बिकॉज दे हैव स्पेशल नीड्स। हमें उनकी विशेष देखभाल करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं हो सकती है भाई, कुछ भी उन्हें जरूरत होती है, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, विशेष देखभाल करनी चाहिए। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, दे जस्ट डू थिंक डिफरेंट। वे हमसे अलग नहीं है, बस चीजों को अलग तरह से करते हैं। तो बेटा जो इस चैप्टर में जो भी आगे है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।